इसमें इस मंदिर का निर्माण वो करेंगे जिसमें जमीन निःशुल्क रूप से पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पे उपलब्ध कराने का काम करेगा। दूसरा प्रस्ताव ये 90 साल के लिए होगा पहली बार में, और बाद में उसको 90 साल के लिए पुनः नवीनीकृत भी किया जा सकेगा। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव मिरगपुर पाजूवाला की गाटा संख्या 78/6 369 भूमि श्रेणी वन, ये शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का काम माननीय मंत्री परिषद द्वारा किया गया। ये जमीनें 0.369 हेक्टर, ये जमीन है जो वर्तमान में ग्राम सभा की भूमि है, ग्राम सभा की भूमि है, ये डाटा संख्या पर्यटन विभाग को उपलब्ध होंगे। तीसरा प्रस्ताव है पर्यटन विभाग के जो बंद या घाटे में चल रहे या असंचालित जो पर्यटन आवास गृह हैं उनके PPP पर दिए जाने का 3 पे हम लोगों ने जो अंतिम चरण की मंत्रिपरिषद दी और 3-4 के RFC निविदा प्रपत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने का काम आज किया गया है। ये पर्यटन विभाग के राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाने, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है। नहीं, अलग अलग लोगों को, बहुत लंबी प्रक्रिया, कई बार 3 बार कैबिनेट में आता है, कई प्रक्रियाओं के द्वार से गुजरता है, फाइनेंशियल बेड, टेक्निकल बेड, विभिन्न बेडों के माध्यम से जो अंतिम रूप से चयनित ये हुए हैं। नहीं, ये टाटा कंपनी, अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो अलग अलग हैं। अगर चाहेंगे तो मैं बता भी दूं, खुर्जा वाला में 3 निविदादाता थे जिसमें प्राप्त 3 थी, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, KK विद्युत अहमदनगर महाराष्ट्र, सी कृष्णा कंस्ट्रक्टर्स खुर्जा, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज में भी 5 निविदा थी, भाटी चोखा रेस्टोरेंट बनारस, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, छाया डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, किसान आयस एंड कोल्ड स्टोरेज JV फिरोजाबाद, बिजटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, ये तो बहुत सारी जो बिडें थी इनमें जो जी सिलेक्ट हुए। और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम आज राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर
लगातार होती रही है, उससे लोगों का असर बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ प्रयागराज कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता ट्रिपल पी मोड पर इसको हम लोगों ने आज फाइनल किया है। लखनऊ प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें आज इसको विकसित किए जाने के लिए आरएफ हेलीपोर्ट या कई हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे और अलग अलग सेवाएं प्रदान करेंगे। हाँ अनुमोदन इसका आरएफपी डीसीए रिवेक्ट फॉर प्रपोजल वैल्यू आज अनुमोदन हो गया है। ये निजी निवेशकों के माध्यम से ट्रिपल पी मोड पर इसकी आरएफसी का आज अनुमोदन माननीय मंत्री परिषद द्वारा कर दिया गया है। रमाबाई अम्बेडकर मैदान के सामने ये भी आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनका उपयोग नहीं हो पा, जीर्ण शीर्ण होकर के क्षतिग्रस्त होकर के निष्प्रयोज हालत में पड़ी थी, ऐसी बिल्डिंग्स को भी हम लोगों ने जो प्राचीन धरोहर हैं इनको रीयूज एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत ट्रिपल पी मोड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर, इसकी तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतिकर वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। एक बार फिर रिपीट करें, कानपुर वाला शुक्ला तालाब नहीं, अब इस पर निविदा जी, निविदा जो आई है उन निविदाओं पर अप्रूवल हो गया है। हाँ ये प्रेस वोट पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, डिटेल पूरा मिल जाएगा, कौन कौन निविदा आता है, कौन क्या है, किसका क्या, सब पूरा मिल जाएगा आपको। एक पूरे प्रदेश में जो टूरिज्म की असीम संभावना है उसके दृष्टिगत जैसा आप जानते होंगे हम लोगों ने 2022 पर्यटन नीति टूरिज्म पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की थी, उसका लाभ मैक्सिमम लोगों को हो सके, तमाम जो निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना निवेश पर्यटन में करना चाहते हैं उन निवेशकों को इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रुकावट एनओसी में हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो इस तरह की कोई सहयोग ही उन्हें नहीं मिलता था, तो निवेशक परेशान होकर के कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता था। इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों के चयन का एक कार्यक्रम आज माननीय मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया है। इस तरह की फेलोशिप से
जो शोधार्थी होंगे वो योजनाओं के पर्यवेक्षण में, अनुश्रवण में और पारिस्थितिकीय स्थलों से जुड़े हुए सर्वांगीण विकास और केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं उनका सम्मति मूल्यांकन, संरचना, मेले महोत्सव की रूपरेखा तैयार करना, पर्यटन क्षेत्र के अंदर राजस्व वृद्धि की योजना बनाना, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन के अंतर्गत योजनाओं की संरचना के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करना, यह सब इन लोगों के जुम्मे में रहेगा। इसके लिए नई गतिविधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ये लोग और इस पर हम लोग, ये सारे लोग जिले के जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से और प्रदेश पर हमारे पर्यटन विभाग के निदेशालय के संरक्षण में अपना योगदान करके निवेशकों को पर्यटकों के लिए योजनाओं में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह है मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल 25 का है जी, 25। हाँ मानदेय, पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपए, क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपया प्रति माह की दर से इन्हें दिया जाएगा, 30 और 10 कुल मिला के 40,000 रुपया। एक शोधार्थी को एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे हम लोग और आवास व्यवस्था स्वयं करेंगे, हम लोग को उनके आवास की व्यवस्था नहीं कराएंगे। हो गया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय AK शर्मा जी से अनुरोध करेंगे, जो हमारे नगर विकास और बिजली मंत्री हैं, वो नगर विकास और बिजली से संबंधित जो प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित हुए हैं उसके संबंध में अपनी बात रखें। मनीष शर्मा जी, एक आखिरी होगा। हाँ ये सॉरी, गोरखपुर में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली है, उस जन्मस्थली पे पर्यटन विभाग उनकी जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आज जनपद गोरखपुर के ग्राम असरकरगंज के घाटा संख्या 82 के मकानात में 460 वर्ग मीटर भूमि, जो बंजर भूमि है गांव सभा की, उसको निःशुल्क पर्यटन विभाग को मंत्र परिषद के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है और इस जो भूमि हमें मिली है पर्यटन विभाग को, इस पर पर्यटन स्थल के रूप में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि वहां लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष देश और विदेश से उनके तमाम शिष्य आते हैं और उस स्थान के प्रति उनकी गहरी आस्था है, उसको डेवलप करने का काम हमारा पर्यटन विभाग करेगा। अरे वो तो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ना, वो जमीन आज मिली है, आज जमीन हमें दी गई है माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से, उसका डेवलपमेंट के लिए हमारी टीम जाएगी, टेक्निकल टीम जाएगी, उसको करके उसका प्रोजेक्ट बनाएगी और जितने का प्रोजेक्ट बनाएगा उस पर हम लोग सहमति और स्वीकृति देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग के कुल 5 प्रस्ताव थे। पहले मैं ऊर्जा का जो एक प्रस्ताव था उसकी बात कर देता हूँ। विद्युत निरीक्षक, आपने शब्द सुना होगा विद्युत सुरक्षा निदेशालय जो हमारा है, उसमें नियमावली बनाने का विषय था। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास किया हुआ है, विद्युत अधिनियम, उसके तहत भारत सरकार ने अपनी नियमावली बना दिया, उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन के सारे प्रावधान उसमें आते हैं। उसी के क्रम में राज्य सरकार को भी उसकी नियमावली बनाना अपेक्षित था, जो सेक्शन
जो विद्युत अधिनियम है उसका सेक्शन 162-180 के तहत राज्य सरकारों को भी बनाना था अपेक्षित, लेकिन यहाँ अभी बन नहीं पाया था। अब हम उसकी नियमावली बना करके लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर विद्युत निरीक्षक इसको बोलते हैं, उनकी अर्हता जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, फिर उनके पावर क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी और कार्य क्या होंगे, फंक्शंस क्या 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 होंगे, ये सारा कुछ उसमें परिभाषित किया जाता है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। इसमें कैसे इंस्पेक्टर जो है वो किस जगह पे उसको जाने का अधिकार होगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, किस किस इंस्पेक्शन के पहले और इंस्पेक्शन के बाद वो क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाएगा, ये सारी सारी बातें जो है इस नियमावली में आती हैं, जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। नगर विकास विभाग के कुल चार प्रस्ताव थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि हमारा जो संपत्ति कर है वो हमारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो संपत्ति कर का जो व्यवस्थापन होता है वो नगर निगमों में नगर नियम निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में ऑलरेडी प्रावधान किया हुआ है, और उस प्रावधान के तहत जो हमारा अधिनियम है उसके प्रावधानों के तहत सन 2000 में आवासीय भवनों के लिए और सन 2013 में अनावासीय भवनों के लिए नियमावली भी बन गई। जहाँ तक नगर निगमों का सवाल था, उनकी दोनों नियमावलियाँ बन चुकी हैं, आवासीय और अनावासीय, 2000 और 2013 में। और उन्हीं प्रावधानों को जो एक्ट में जो नगर निगम अधिनियम में प्रावधान थे उसी को नगर पालिका अधिनियम में समाहित करते हुए लेते हुए नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों के लिए भी कानून का वही चीज जो है कानून में लेकर के कानून प्रावधानित कर दिया गया, कानून इनेक्ट कर दिया गया, पास कर दिया गया। लेकिन उसके तहत जो नगर पालिका और पंचायतों के लिए जो नियमावली बननी चाहिए थी, कानून होता है उसके बाद नियमावली बनती है जिसमें डिटेलिंग आती है, वो नियमावली बनाने का काम रह गया था, जिसे आज हम लोग माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष लेकर के आए थे और उस नियमावली को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इसमें कैसे कैलकुलेशन होंगे, कैसे कितनी पुरानी संपत्ति हो है तो कितना उसका दर होगा, ये करना इसलिए आवश्यक इस समय आवश्यक था कि भारत सरकार का इस पर बहुत आग्रह था कि इस नियमावली के बिना हम जो है कोई ग्रांट नहीं देंगे, खास करके 15वें वित्त आयोग की जो ग्रांट आती है वो, और विभिन्न योजनाएं जैसे कि अमृत 2 में जो पैसा हमको मिलता है उसके पैसे में भी रोक टोक हो रही थी भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का बहुत आग्रह था कि इसमें तात्कालिक आप नियमावली बना करके फ्लोर रेट वगैरह निर्धारित कीजिए, तो उस नियमावली को आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। दूसरे तीसरे प्रश्न, नगर निगम की नियमावली सन 2000 आवासीय भवनों के लिए और 2013 में अनावासीय भवनों के लिए ऑलरेडी प्रख्यापित हो चुकी थी, और नगर नियम का जो कानून था वही नगर पालिका अधिनियम में भी ले लिया गया, लेकिन उसके तहत जो नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए जो नियम बनने चाहिए थे वो नहीं बने थे, वो आप लेकर के आए। अगला प्रस्ताव था अयोध्या में सीवरेज का एक नया प्रोजेक्ट डालने का, सीवरेज की अयोध्या की जो रचना है उसमें मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं तो मुख्य धाम का जो क्षेत्र है वहाँ अमृत वन में लगभग 133 किलोमीटर की ऑलरेडी सीवरेज डालने की योजना ऑलरेडी चल रही है, अमल में पहले से मंजूर होकर के उसका अमल हो रहा है, जिसमें 20,000 घरों को कनेक्शन देना लक्षित है और वो योजना ऑलरेडी आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके थोड़ा बाहर का जो विस्तार था जिसको कैंट एरिया, जो लोग अयोध्या से परिचित है कैंट एरिया वगैरह उदाहरण के रूप में, वहाँ सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको व्यवस्था करने के लिए 351 करोड़ रुपए की योजना अमृत 2 में लेकर के हम आए थे और जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस योजना के कार्यान्वयन से लगभग 27,000 को एग्जैक्ट फिगर है 27,928 घरों को सीवरेज का कनेक्शन दिया जा सकेगा।
इसका जैसा कि आप जानते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होता है, राज्य सरकार का पार्ट होता है, थोड़ा निकाय का भी अंश होता है अमृत योजना में। और अगला जो प्रस्ताव है उसी में सुधार के लिए हमारे प्रस्ताव थे, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो ये तो अयोध्या की बात होगी, 351 करोड़ रुपए से के खर्च से, 351.40 करोड़ रुपए के खर्च से 28,000 घरों को सीवरेज कनेक्शन देने के लिए योजना को आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। उसमें कैंट का भाग विशेष रूप से आता है। फर्स्ट फेज का जैसा मैंने बताया कि 133 किलोमीटर की योजना ऑलरेडी अमल में है, अमल उसका शुरू हो गया है। ये एडिशनल है, ये उसके अतिरिक्त है, ये दूसरी योजना है। हाँ, एसटीवी भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसमें बहुत सारे काम उसमें होने हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं उसमें दे भी सकता हूँ। घरों का कनेक्शन है, फिर सीवर का पूरा नेटवर्क जो है वो 1,26,472 आरएम होता है। फिर सीवर के गृह कनेक्शन जो हमने बताया 27,928 घरों को कनेक्शन देना है। फिर इसमें पंपिंग स्टेशन बनेंगे 4, स्टाफ क्वार्टर बनेंगे 4, मीटर रूम बनेंगे 4, एसटी और पैनल रूम बनेंगे 4, काफ़ी कुछ इसमें। अब इसमें डिटेल इतना देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता जी। एसटीपी अब इसका अगले फेज में हम लोग सबको मिला करके एसटीपी का हम लोग, ये एसटीपी जो अमृत वन में जो जी उसका मैं बता रहा हूँ। इसमें अन्य चीज़ें जो हैं, पंप हाउस है, एसटी एवं एलटी पैनल रूम है, मीटर रूम है, अप्रोच रोड है और पंपिंग प्लांट है, सारी व्यवस्थाएं हैं। एसटीपी का जो है उसको अलग से हम लोग उसको 1 का 2 का मिला करके नहीं, सवाल ही नहीं, एसटीपी बनाया जाएगा, एसटीपी बनाया जाएगा। अब इसमें इतना करने के बाद अगर वही प्रभावित करना हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। अगला प्रस्ताव अमृत योजना जो हमारी है उसमें एक बड़ा आमूल चूल उसके फंडिंग पैटर्न में सुधार करने के 2 प्रस्ताव थे, जिसमें अमृत वन योजना जैसा कि मैंने बताया कि पहले की योजना चल रही है, उसमें जो उस समय की अमृत वन में जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि 10 लाख के ऊपर के जो हमारे जो निकाय थे 10 लाख की जनसंख्या वाले, उसमें केंद्रांश 33.33% होता था, राज्यांश 36.67% होता था और निकायांश 30% होता था। 10 लाख तक के जो निकाय थे, मतलब एक लाख से 10 लाख मान लीजिए, उसमें केंद्रांश 50% होता था, राज्यांश 30% होता था और निकायांश 20% होता था। अब उसमें जो निकायों की आर्थिक परिस्थितियां देखते हुए निकाय अपना अंश जो है दे नहीं पा रहे थे, बहुत सारा बकाया उनके ऊपर हो जा रहा था, ऐसे निकायों को राहत देते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय आज माननीय वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। जो निकायांश 30% था उसे घटा करके 15% कर दिया गया है। दस लाख की आबादी वाले जी नहीं, ये हम जनरल स्कीम के पैटर्न की बात कर रहे हैं, अमृत वन की बात कर रहे हैं, सभी निकायों में लागू होगा। और जो जहां 10 लाख तक के निकायों के लिए जैसा मैंने बताया 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% हो गया, 10% कर दिया गया है। और उसी अनुपात में 10 लाख के ऊपर की आबादी और 10 लाख तक की आबादी, दो अमृत वन में दो ही कैटेगरी थी। 10 लाख तक की आबादी में जो निकायांश था वो 20% हुआ करता था, उसको घटा करके उसका आधा 10% कर दिया गया। और 10 लाख के ऊपर वाले में 30% हुआ करता था, उसको घटा करके 15% कर दिया गया, 50 मतलब उसको आधा कर दिया गया जो निकायांश अभी तक था। और उसी अनुपात में राज्यांश जो है, केंद्र का अंश वही रहेगा, उसी अनुपात में राज्यांश बढ़ जाएगा। अभी तक 10 लाख के ऊपर वाला
का राज्यांश 36.67% होता था, वो बढ़ के 51.67 हो जाएगा, और जो 10 लाख तक वाले में 30% हुआ करता था वो राज्यांश बढ़ करके 40% हो जाएगा। अमित टू योजना में भी इसी प्रकार सुधार पैटर्न में सुधार किया गया है। उसमें तीन कैटेगरी थी, 1 लाख के नीचे वाले निकाय जिसमें अभी तक निकायांश 20% हुआ करता था उसको घटा करके 10% कर दिया गया है, 1 लाख से 10 लाख वाले निकायों में निकायांश 20% हुआ करता था उसको घटा करके 10% कर दिया गया है, और 10 लाख के ऊपर वाले निकायों में 30% निकायांश हुआ करता था उसको घटा करके 15% कर दिया गया है। मतलब अभी तक जो निकायांश हुआ करता था उसका आधा कर दिया गया है, और ये वर्तमान और जो अमृत वन की जो योजनाएं पहले की थी उसमें भी ये लागू होगा, तो निकायांश जो है एक तरह से उनको काफी राहत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तेल चोरी पकड़ी जा रही है तो तेल चोरी पे कार्रवाई होगी, उस पर जहाँ भी चोरी पकड़ी जाएगी चोरी के लिए प्रावधानित जो व्यवस्थाएं होगी कार्रवाई होगी। माननीय शर्मा जी आप इधर आ जाइए। पांच प्रस्ताव हमारे औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित हैं। हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो उसमें MOU हुए थे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम उनके लिए लैंड उपलब्ध कराएं, तो उसी श्रृंखला में कई प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं खास तौर से, तो उन्हीं प्रयासों का आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया। ये खास तौर से जिन लोगों की यूनिट्स किसी न किसी रूप में सिक हो गई या यूनिट बंद हो गई उसके उनके ऊपर कर्जा था बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे लगभग 871.85 एकड़ भूमि जो हमको मिलेगी इसके बदले में हमको 117 करोड़ 19 लाख रुपए का हमने वन टाइम सेटलमेंट करके भुगतान करने का सहमति दी है, जिस पर आज मंत्री परिषद के द्वारा सहमति दी गई। 117 करोड़ 19 लाख जो यूनिट्स ऐसी हैं कि जो चल नहीं सकती वन टाइम सेटलमेंट के द्वारा 11 यूनिट्स जी। इसके साथ ही एकड़ भूमि औद्योगिक विकास को जो मिल जाएगी उपलब्ध होगी औद्योगों के विकास के लिए। इसके अलावा नोएडा में हमारा नोएडा सेक्टर 142 स्टेशन से बॉटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबाई के एक्वालाइन मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्तावित विस्तार में लगभग 2254.35 करोड़ रुपए खर्च होने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 573 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें दिया जाएगा और नोएडा प्राधिकरण जी इसको पूरी तरीके से बनाएगा। 142 सेक्टर में 11.56 किलोमीटर लंबाई की एक्वालाइन मेट्रो कॉरिडोर इसका विस्तार किया जा रहा है। नोएडा में मेट्रो लाइन का विस्तार किया जा रहा है जिसमें 11.56 किलोमीटर लंबाई बढ़ेगी और जिसके लिए 2254.35 करोड़ रुपए का इस योजना में खर्च आएगा, जिसके लिए 573 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ेगा
और टोटल नोएडा प्राधिकरण ही इस एक्सपेंशन को कार्य रूप देगा। इसके अतिरिक्त जो इसी लैंड बैंक को देने के लिए लैंड की व्यवस्था करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव है, जिसमें उस उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड की बाराबंकी इकाई में उपलब्ध 69.86 एकड़ भूमि यूपी सीडा को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टेट यार्ड कंपनी की इकाइयां क्रमशः मेजा प्रयागराज 175 एकड़, बांदा 90 एकड़ एवं रसला बलिया 57 एकड़ की भूमि यूपी सीडा को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। ये भी अपने आप में उसी उद्देश्य के लिए जिसके तहत हमने MOU किए थे, इन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने के लिए हमको जो लैंड बैंक की जरूरत थी, ये व्यवस्था हमारे विशेष रूप से प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास के द्वारा जो किए गए इन्हीं के विभाग के द्वारा, उसी के का ये परिणाम है कि हमको ये भी जमीन लगभग 391 एकड़ जमीन यूपी सीडा को मिल जाएगी। ये प्रस्ताव एक हम अनुरोध करेंगे आपको श्री अनिल कुमार सागर को, जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, एक प्रस्ताव के बारे में आपको जानकारी दे दें खासतौर से। ये कॉरिडोर कलकत्ता स्टेट होगा इस बारे में कि भारत सरकार द्वारा कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की गई है, उनमें से एक कॉरिडोर है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका ऑलमोस्ट 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो हालांकि बाकी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में भारत सरकार ने एक एक इंडस्ट्रियल नोड की स्थापना की है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा हिस्सा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो भारत सरकार के सहयोग से दो स्थानों पर इंडस्ट्रियल नोड्स की स्थापना की जा रही है। एक नोड है जनपद आगरा में, जहाँ पर 1058 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई गई है, और दूसरा नोड है जनपद प्रयागराज में, जहाँ पर 1138 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। ये आगरा में 1058 एकड़ और प्रयागराज में 1138 एकड़। यहाँ पर इंडस्ट्रियल नोड्स बनेंगी, जहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी। ये प्रयागराज में जो है, वो ये सरस्वती हाईटेक सिटी जहाँ पर है उसके पास में है, और आगरा में जहाँ पर ये